स्टार्ट करन दो। हेलो यस सर। देखिए जो BSc BCom का जो 138 है कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नीड क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बेनिफिट क्या है, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवेन ऑफ इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं तब तो क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट देते हैं, तो उसी अमाउंट को आप कॉस्ट ही मानते हैं। मान लीजिए कोई बायर है या फिर सेलर है, जब बायर बाय करते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो कुछ अमाउंट सेलर को देते हैं, तो उसी अमाउंट क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। इसके लिए ये वाला हो जाता है अपना बायर के लिए कॉस्ट। तो जब सेलर का बात आता है कि सेलर जो बनाता है गुड्स, जब गुड्स बनाता है तब तो उसका जो कॉस्ट होता है, उसका अमाउंट, जब उसका रॉ मटेरियल हो जाता है, उसका फिर जो खर्चा वगैरह हो जाते हैं, उसी खर्चा को, टोटल खर्चा को उसे कॉस्ट माना जाता है। तो द रिसोर्सेस गिवेन ऑफ आर मनी एंड मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन मॉनिटरी यूनिट्स। तो यहाँ पे रिसोर्सेस को हम मॉनिटरी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करते हैं कि एक कंसर्न का रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है ये डिराइव करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खाली काम क्या होता है, ओनली प्रॉफिट या लॉस डिराइव करना और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना है, कितना फाइनेंशियल पोजीशन हो रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटी का पोजीशन क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर डेट में। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि कॉस्ट कितना है एक कंसर्न का ये पता नहीं होता है। तो कॉस्ट सबसे ज्यादा वाइटल होता है कंसर्न का, क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ भी कंट्रोल यूनिट वहां पे नहीं रहता है, जो हो गया है यानी कि कॉस्ट खर्चा हो जाएगा उसको रिकॉर्ड करेगा, यानी कि हिस्ट्रिकली नेचर है, जो हो जाएगा या फिर खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट को या फिर बोल सकते हैं कुछ कंट्रोल यूनिट कुछ नहीं होते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का न्यू टर्म आया, क्योंकि पहले से ही हम कॉस्ट डिटर्मिनेट कर सकते हैं या फिर पहले से कॉस्ट डिटर्माइन कर सकते हैं, उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से पहले प्लानिंग कर लेंगे। इस एरिया में जो बहुत सारा फंक्शन होता है, फंक्शनल एरिया होता है एक बिजनेस में, तो उसी एरिया में किस किस एरिया में ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले प्लानिंग करेंगे, उसी हिसाब से हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट विथ ए व्यू टू एसेटन कॉस्ट मोर एक्यूरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट और जॉब। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इतना सारा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो ईच प्रोडक्ट या जॉब में कितना कॉस्ट हो रहा है उसको, एक्चुअल कॉस्ट को हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रोइंग कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरर लीड टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस एट ए लोअर लेवल सो एज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो नॉर्मल जो कस्टमर का परसेप्शन होता है फर्स्ट जब जाते हैं कि कॉस्ट जिस जगह में या फिर जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे या फिर कॉस्ट जिस प्रोडक्ट में कम होगा उसी प्रोडक्ट को या फिर उसी सर्विसेज को प्रीफर करेंगे। तो इंडिया में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मीडियम लोअर मीडियम ग्रुप रहते हैं, तो हायर मीडियम ग्रुप का अलग सा बात होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में फ्लो कर रहे हैं या फिर ऑफर कर रहे हैं तो नॉर्मल जो कस्टमर होते हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस में होते हैं, कॉस्ट में ही अट्रैक्ट होते हैं।
कम है तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हैं, डिसीजन भी उसी हिसाब से होते हैं। तो रिस्क लेना या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज को या फिर परचेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, कॉस्ट में होते हैं, कॉस्ट अफेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से इतना सारा मैन्युफैक्चर है, इतना सारा मैन्युफैक्चर यूनिट या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट है, चाहते हैं अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना या फिर रिड्यूस करना। कॉस्ट को रिडक्शन करना और मिनिमाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों टर्म अलग अलग है, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सबसे ज्यादा रिडक्शन काम नहीं आता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब आप किसी भी तरीके में कॉस्ट को रिडक्शन कर लीजिए, लेस कर लीजिए। अगर आप रॉ मटेरियल क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी में चेंज कर लीजिए। चेंज का मतलब हाई क्वालिटी ऑफ का गुड्स एंड सर्विसेज, या हाई क्वालिटी का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं कोई गुड्स या सर्विसेज में, उससे आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस क्वालिटी दे देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट बेड इफेक्ट होता है, जब आप कॉस्ट रिडक्शन करते हैं यहाँ पे बेड इफेक्ट होता है। क्यों बेड इफेक्ट होता है, कि जो कस्टमर है या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो क्वालिटी है पहले तो अच्छा था ये गुड्स, ये अभी क्या है, खराब आ रहा है। तो ऑटोमेटिक इसी टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज को यूज नहीं करेंगे या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में क्या होते हैं, कॉस्ट का आप जितना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं कि जितना कॉस्ट चाहिए उतना कीजिए। उसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि अभी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको भी उसी टाइप का रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन में आप ह्यूज अमाउंट ऑफ आप हैवी लॉट में आप परचेस कर लेंगे कोई गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सस्ते दाम में पड़ जाएगा और सेम क्वालिटी का आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल। तो ये वाला होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक। और जो कॉस्ट रिडक्शन का बात होते हैं डायरेक्टली, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट को किसी रॉ मटेरियल या फिर किसी यूनिट का कॉस्ट को रिडक्शन कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विज लेड एम्फासिस ऑन प्लान इकोनॉमी विथ ए व्यू टू अचीव द टारगेट लीड टू कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सबसे गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ पे प्लान इकोनॉमिक जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं कि बहुत सारा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का, कैसे, यहाँ पे प्लान करके जो बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी लेकर, तो आप स्ट्रेटेजी बनाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइसिंग लिस्ट टू इंडियन मैन्युफैक्चर टू गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है कि इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइस, तो यहाँ पे बहुत सारा जो गुड्स है या फिर सर्विसेस है गवर्नमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। जैसे कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट है या फिर एसेंशियल सर्विसेस है वहाँ पे क्या होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट बोल देता है कि यहाँ पे आपको इतना कॉस्ट रखना चाहिए, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट का एक सीलिंग हो जाता है, प्राइस सीलिंग जैसे बोलते हैं, प्राइस का एक बोल सकते हैं एक स्टेजेस तक जा सकते हैं। तो आप उससे ज्यादा आपका कॉस्ट इतना भी हो जाए आप उसी प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होता है इतना सारा इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर प्रोडक्शन यूनिट है या फिर मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पे उनको क्या चाहिए, कॉस्ट प्लानिंग चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट को पहले तो आप कैलकुलेशन करेंगे, उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे, वरना पहले आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे प्रोडक्शन बना लेंगे उसके बाद आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि और बिजनेस यूनिट का या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे ज्यादा या फिर फास्ट या फिर मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, कोई भी लॉस अर्न करना नहीं चाहते, क्योंकि बिजनेस का सस्टेन के लिए, फ्यूचर जो ग्रोथ के लिए प्रॉफिट ही चाहिए। प्रॉफिट नहीं तो कैसे अर्न करेगा या फिर कैसे सस्टेन करेगा फ्यूचर में। इस वजह से क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कॉस्ट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का एक न्यू ब्रांच आ गया। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंस्टॉलेशन के लिए या फिर बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग रन के लिए
तो यहाँ पे अलग सा एक ब्रांच हो जाएगा, अलग सा अकाउंटिंग जो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट लगेगा ऑटोमेटिकल, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, कॉस्ट बोल सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिटर चाहिए जो रेगुलर बेसिस में इंटरवल में ऑडिट करेगा, इंटरनल ऑडिटर भी चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, वही वाला अकाउंटेंट वगैरह चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर कंसर्न का बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कंसर्न का क्या होते हैं कंपल्सरी होते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग जो होते हैं ये भी क्या हो सकते हैं कि आपको जब कंसर्न में एडॉप्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो लो या फिर बोल सकते हैं मीडियम ग्रुप ऑफ जो बिजनेस के लिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रांच ओपन करना और उससे रन करना और उस हिसाब से मेंटेन करना। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव वजह से वन टाइप ऑफ लिमिटेशन भी हो सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी बोल रहे हैं इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस एंड आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट अकाउंट का काम क्या होता है कि यहाँ पे कॉस्टिंग का टेक्निक से या फिर कॉस्टिंग का प्रिंसिपल को एडॉप्ट करके यहाँ पे क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, एसेटनमेंट करना पहले, उसके बाद कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट एसेटनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट आपको मेजर करना। तो पहले एसेटनमेंट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करना होता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का काम। उसके बाद स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप का मतलब है कितना वाइड है, हाउ मच कॉस्ट अकाउंटिंग इज वाइड। उसी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है हमें पता है, तो नॉर्मल सा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप होता है पहले क्या होता है रिकॉर्डिंग करना, जितना सारा ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्डिंग करने से पूरा का पूरा उसका काम कब खत्म होता है, जब फाइनेंशियल पोजिशन को यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। हाँ कोई पूछना चाहते हैं कोई, स्कोप पहले से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप होता है पहले से क्या होता है, पहले रिकॉर्डिंग करने से जर्नल से स्टार्ट होता है, उसके बाद पूरा का पूरा खत्म कब होता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक, जर्नल लेजर, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसके बाद इसका स्कोप खत्म हो जाता है। और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप जो होता है यहाँ पे देखिए, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, बजटिंग एंड कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे कॉस्टिंग से लेकर यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट तक इसका काम होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका स्कोप होता है, इतना वाइड होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्टिंग का मतलब जो टेक्निक्स एंड द प्रोसेस ऑफ एसेटनिंग द कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्टिंग का मतलब क्या होते हैं कि टेक्निक्स एंड प्रोसेस, एक टेक्निक होता है या फिर प्रोसेस होता है कि कॉस्ट को एसेटन करना होता है, कि कॉस्ट को कैलकुलेशन करना, मेजर करना, तो इसी को मानते हैं हम कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। और जितना सारा यहाँ पे क्लासीफाई करना, अलग अलग कर देना कौन सा कॉस्ट क्या क्या कैटेगरी में आता है, रिकॉर्ड करना, एलोकेट करना, एलोकेशन का मतलब है किस एरिया का कॉस्ट है ये वाला, उसके बाद समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, यानी कि करेंट में कितना हो रहा है या फिर प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर में कितना यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है कॉस्ट, ये वाला होता है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक क्या होते हैं, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक जो होता है, यहाँ पे वन टाइप ऑफ गाइडेंस होते हैं या फिर रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट को आप एक जो ऑपरेशन जो कॉस्ट होता है आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि उसको गाइड कर सकते हैं। बजटिंग ये वाला मतलब होता है नॉर्मल सा, बजटिंग में क्या होता है आपको प्री प्लान या फिर एक ब्लू प्रिंट होता है कि जितना सारा ओवरऑल कॉस्ट होते हैं और उसी हिसाब से आपको फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी बनाना होता है। तो यहाँ पे बजटिंग का मतलब एन ओवरऑल ब्लू प्रिंट ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ ऑपरेशंस
एंड एक्शंस एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स। यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टोर में यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट होते हैं कि फ्यूचर प्लान्स एंड ऑपरेशन का पूरा ब्लू प्रिंट, पूरा का पूरा ओवरऑल क्या कितना कॉस्ट होगा या फिर कौन सा एरिया में कितना कितना खर्चा होने वाला है, ये सब क्या होता है ब्लू प्रिंट होते हैं। एक्चुअल हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ब्लू प्रिंट होते हैं। बजटिंग कब करते हैं, पहले से ही जब आप इनकर्ड करते हैं कॉस्ट होने से पहले आप बजटिंग बना लेते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के ब्रांच ऑफ नॉलेज, कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक बात किया यहाँ पे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या सिमिलर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डबल एंट्री जो प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स फॉलो होता है, ये वाला वाट है वो सिमिलरिटी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज एप्लीकेबल इन बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, दोनों सिस्टम में एप्लीकेबल है कि फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद इनवॉइस एंड वाउचर कॉन्स्टिट्यूट कॉमन बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो दोनों सिस्टम में क्या होते हैं, जो आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, ऐसे नहीं कि बोल दिया कोई आ गया बोलेगा कि इतना कॉस्ट हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि इतना परचेज रॉ मेटेरियल 10,000 का रॉ मेटेरियल परचेज किए, तो ऐसे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जिसका एविडेंस होता है, एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस एंड वाउचर्स। इनवॉइस एंड वाउचर नहीं है तो, बिल वगैरह नहीं है तो, इनवॉइस नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपको एविडेंस ही चाहिए, एविडेंस के बेसिस में आपको रिकॉर्ड करना होता है। द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर रिवील्ड बाय बोथ द सिस्टम अकाउंट्स, यानी रिजल्ट का मतलब इसका, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट क्या होते हैं, इसका प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और यहाँ पे कॉस्ट, जो कॉस्टिंग में क्या होते हैं इसका कितना कॉस्ट है, या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट या फिर कॉस्ट शीट बनाते हैं। द कॉजेस और लॉसेस एंड वेस्टेज ऑफ ए बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय बोथ दिस, यहाँ पे क्या होते हैं, द कॉजेस फॉर लॉसेस एंड वेस्टेज ऑफ बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय बोथ दिस। यहाँ पे क्या होता है, जो लॉस होता है या फिर वेस्टेज होता है यहाँ पे बिजनेस के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। उसके बाद जो डिसिमिलैरिटीज है, या फिर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसका पहला जो पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इट्स पर्पस इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मेनली टू ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है कि रिपोर्टिंग करना, इसको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना, यानी बिजनेस के बाहर कौन होते हैं, ओनर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, इनको रिपोर्टिंग करता है ये वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका जो रिपोर्ट होता है मेनली इनके लिए होता है, क्योंकि जो ओनर होते हैं, ओनर चाहते हैं कि एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर इसका असेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन क्या है और ईयर में। उसके बाद क्रेडिटर जो होते हैं, क्रेडिटर का मतलब बाकी में जो बोल सकते हैं, बाकी में आप बोल सकते हैं आपको सामान वगैरह देते हैं, तो उनको चाहिए कि आपका जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कौन होते हैं, गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है टैक्स इंसेंटिव, यानी कि टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट चाहता है जिस कंसर्न का ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसी हिसाब से टैक्स ज़्यादा भी कलेक्शन करेगा। तो मान लीजिए एक कंसर्न है या फिर एक बिजनेस है, वो अपने जो डेलिबरेटली लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से वो लेस अमाउंट ऑफ टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ अर्निंग रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहते हैं कि हर कंसर्न का जो टैक्स बोल सकते हैं कलेक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक कंसर्न का 5 साल में रिड्यूसिंग या फिर बोल सकते हैं डिमिनिशिंग के फ्लो में आ रहे हैं, फिर डिमिनिशिंग रेट में टैक्स कलेक्शन हो रहे हैं,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, उसमें ऑडिट बना सकता है या फिर ऑडिट कमेटी या फिर ऑडिटर को सेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंचन का तो सेलिंग अच्छा हो रहा है और उस हिसाब से क्यों इसका बोल सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन हो रहा है। उसके बाद इसका कॉस्ट अकाउंटिंग है जो पर्पस है, इट्स पर्पस इज इंटरनल रिपोर्टिंग इज दैट द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है कि इंटरनल जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एचआर के गवर्नमेंट को बोलेगा नहीं कि कॉस्टिंग इतना हुआ इस बिजनेस का या फिर इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है या फिर कॉस्ट ये है, ये नहीं बोलेगा। तो इंटरनल रिपोर्टिंग होता है, इसका पर्पस होता है इंटरनल रिपोर्टिंग करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है इंटरनल रिपोर्टिंग, और यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, मेनली ओनर्स क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फेल टू गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पे इसका मेन वांटेबल लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ पे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्टली जो खर्चा वगैरह होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉलिसी फ्रेम करना, प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इसका मेन काम तो होता है क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम करना। तो प्रोवाइड एडिक्वेट डाटा फॉर फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। तो कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी करने के लिए या फिर कितना कॉस्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस का मतलब कि एक जब सेलिंग प्राइस का बात बोल सकते हैं कि कॉस्ट लॉस प्रॉफिट ये भी हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो ऑटोमेटिक कॉस्ट का जब आप पता हो सकता है या फिर यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कॉस्ट को, उसी हिसाब से आप कितना एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट चाहिए तो प्लस हो जाएगा, उसी हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना लेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट को जब आप डिराइव कर लेंगे उसी हिसाब से का फ्यूचर जो पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वंस ए ईयर। यहाँ पे क्या करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वंस ए ईयर यानी कि एक साल में एक बार यहाँ पे क्या करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसके बाद क्या करते हैं रिपोर्टिंग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या फिर बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है, ये वाला रिपोर्ट करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, फर्निसेस कॉस्ट डाटा एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल में कॉस्ट का डाटा क्या करते हैं फर्निस करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि एक एक इंटरवल में एक साल में एक कॉस्ट का डाटा या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट क्या होते हैं सेम नहीं रहते हैं, फ्लक्चुएट होता है या फिर स्कीमिंग होता है या फिर बढ़ सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है। उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है एक इंटरवल में बोल सकते हैं कि क्वार्टरली या फिर हाफली या फिर बोल सकते हैं मंथली, यहाँ पे कॉस्ट या फिर कॉस्ट डाटा को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इंटरवल ही होता है या फिर फ्रीक्वेंट होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंट जो है नॉट सफिशियंट टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे ये सफिशियंस नहीं है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा है, एक बोलेगा कि आप बोल सकते कि जिस कंपनी में लॉस हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि ये इसका एफिशिएंसी कम है, या फिर जिस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉस्ट को भी आपको कैलकुलेशन करना होता है इसको इवेल्युएट करने के लिए इसका एफिशिएंसी को, यहाँ पे कॉस्ट डाटा नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एलोन कैन नॉट से दैट दैट पर्टिकुलर कंसर्न इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नॉर्मल सा कॉस्ट जिस कंपनी का ज्यादा नहीं हो रहा है या फिर बोल सकते हैं मिनिमम हो रहा है उसी हिसाब से बोल सकते हैं उनका एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजमेंट का एफिशिएंसी अच्छा है, वर्कर का एफिशिएंसी अच्छा है, या फिर बोल सकते हैं जो हाई क्वालिटी का न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब यूज होता है इसमें। तो
इस वजह से इसका एफिशिएंसी या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट मिनिमम है, उसी हिसाब से प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं प्राइसिंग के ऊपर या फिर एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर प्राइसिंग, या फिर ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करेंगे फिर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप मिनिमम कर दिए, बहुत सारा जो कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर दिए। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 14th सेंचुरी से ये वाला स्टार्ट हुआ है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो स्टार्ट हुआ है 20th सेंचुरी में, तो मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसेंट ऑरिजिन है, तो इसी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, इसका काम होता है कि एसेटनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एसेटन करना एंड कंट्रोल करना। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, मैनेजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन लेना है फ्यूचर में तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट डिसीजन, इतना सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करेगा ये वाला मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक सेल्स कितना होगा फ्यूचर में, या फिर सेलिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसका बोल सकते हैं इसका कॉस्ट और सेल्स का पोजीशन 10 साल से या फिर 10 साल का कॉस्ट या फिर सेलिंग का और बोल सकते हैं कॉस्ट का पोजीशन एक सीट में या फिर एक फॉर्मेट में कौन देगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा को मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको देगा, टॉप मैनेजमेंट को देगा। उसके बाद नेरो स्कोप, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, नेरो स्कोप का मतलब ज़्यादा वाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट एसेटनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल दो ही काम होते हैं, और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो होता है ज़्यादा होता है क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितना सारा एरिया है, जितना सारा जो फील्ड है सबको कवर अप करते हैं, क्योंकि इसको कोई डिसीजन लेना होता है, फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी लेना होता है, तो फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी के लिए यहाँ पे क्या करेगा, जितना सारा डिपार्टमेंट है उसका पूरा का पूरा डाटा को कंसीडर करेगा, उस हिसाब से फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी बनाएगा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है, नीड्स ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज, यहाँ पे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज यहाँ पे नीड्स होते हैं, और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट में ओनली इंटरनल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारा जो एक्सटर्नल पार्टी को और इंटरनल पार्टी को रिलेट करते हैं, या फिर इसका इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि नीडेड होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो नीड होता है इंटरनल मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट चाहता है कि फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी क्या होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि अदर या फिर आउटसाइडर को, क्योंकि उनका नीड ही नहीं है कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे तो कोई भी जो बोल सकते हैं जर्नल या फिर बोल सकते हैं कि जो उनका वेबसाइट में पब्लिश नहीं होता है क्योंकि ये वाला इंटरनल नेचर है। उसके बाद डील्स ओनली विथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, ये वाला क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से डील करते हैं, और यहाँ पे डील होता है डील्स विथ बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी होते हैं या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सेल्स परचेज या फिर बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, इसको लेकर यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया कितना एफिशिएंट है, डेटर्स में कितना डेटर्स का प्रोविजन क्या है, डेटर्स गुड है बैड है, या फिर डेटर्स का जो बोल सकते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये सब कैलकुलेशन करते देखने के लिए कि एक्चुअली में यहाँ पे कितना दिन में होता है कलेक्शन या फिर कितना ज़्यादा दिन में पेमेंट होता है क्रेडिटर को, ये सब को कंसिडर करते हैं कि बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पर्पस क्या होते हैं कि कॉस्ट अकाउंट्स का एसेटनमेंट है कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल जैसे ही बोल दिए कि डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, फ्रिक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ द रिपोर्ट,
एंड टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी, ये काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं और यहाँ पे मॉडर्न फंक्शन, ये दोनों फंक्शन होते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है बेनिफिट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बेनिफिट होता है। उसके बाद बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट टू क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। तो नॉर्मल मैनेजमेंट को कैसे बेनिफिट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो कॉस्ट को यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, कॉस्ट को कंसिडर करके कोई फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी ले सकते हैं। एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, वो एफिशिएंट है या फिर इनएफिशिएंट है, ये भी मेजर कर सकते हैं। जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, या फिर कॉस्ट सेंटर को आप जब कंसिडर कर देंगे, बहुत सारा फंक्शनल एरिया होते हैं, किस सेंटर में कितना ज़्यादा कॉस्ट रेज होता है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा कॉस्ट होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा कॉस्ट होता है, किस एरिया में कितना कॉस्ट है जब आप कैलकुलेशन कर देंगे, या फिर उसके बाद आप परसेंटेज वाइज जब सेग्रेट कर देंगे, टोटल कॉस्ट इतना है, इस एरिया में ज़्यादा कॉस्ट है। आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस में ज़्यादा परसेंटेज है, तो उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल माना जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसको आप कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद बेनिफिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को भी बेनिफिट होते हैं। कैसा कि क्रेडिटर जो होता है सबसे ज़्यादा चाहता है कि इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक सेलिंग लेस होगा, सेलिंग लेस होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट लेस होगा, तो ऑटोमेटिक फ्यूचर का या फिर जितना सारा फ्यूचर के लिए, ऑटोमेटिक फ्यूचर के लिए रनिंग के लिए ये वाला डिफिकल्टीज हो जाएगा एक कंसर्न को। तो इस वजह से क्रेडिटर जो है ऑटोमेटिक नहीं चाहेगा कि उस टाइप का कंसर्न को बाकी में देने के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को जैसे कि बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट होता है, कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा प्राइस में इफेक्टेड होता है, उसके बाद उसका जो क्वालिटी, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, ये सब होता है। तो नॉर्मल सा कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होता है कोई भी कंज्यूमर या पब्लिक। और लिमिटेशन क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इट इज एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा खर्चा वाला होता है। जैसे कि इस प्रोसेस को आप जब एडप्ट करेंगे कोई इंस्टीट्यूशन में या फिर बिजनेस में, आपको एक्सपेंसिस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा खर्चा लगेगा एक टेक्निक बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट को या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। इस वजह से आपका कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख हो सकते हैं उसका सैलरी वगैरह। द सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सिस्टम जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस बहुत अलग सा होता है। इस वजह से क्या होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा जनरल लेजर, इस टेक्निक को लेकर आप क्या कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी को लेकर आप जा सकते हैं। यहाँ पे इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा क्या होते हैं, अलग से होते हैं। उसके बाद इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पे एक कॉस्टिंग मेथड या टेक्निक को ईच एंड एवरी स्टेजेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टेज में अलग अलग जो मेथड्स या टेक्निक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट, यानी कि स्मॉल स्केल यूनिट के लिए ये वाला सुइटेबल नहीं है, ऐसे बोला, क्योंकि स्मॉल स्केल यूनिट में क्या होते हैं, लेस चाहते हैं कि लेस कॉस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो वर्कर वगैरह है उनका, जो बोल सकते हैं स्टाफ वगैरह अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, उनका सैलरी वगैरह ज़्यादा होते हैं, और टेक्निक वगैरह जो होते हैं उनके काम करने के लिए 6 7 आदमी, या फिर बड़ा यूनिट है तो 10 15 20 से ज़्यादा वर्कर लगेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका जो बोल सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट होते हैं। इस वजह से स्मॉल स्केल के लिए ये सुइटेबल नहीं है, लार्ज स्केल है तो सुइटेबल है। उसके बाद लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है, ये वांटेड वो एस्टिमेट होता है, बजटेड होता है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे लैक ऑफ एक्यूरेसी होता है।
उसके बाद डिटेल एक्स सोशल अकाउंटिंग को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट का क्या रोल होता है। इट हेल्प्स इन चूजिंग फ्रॉम अमोंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में आपको चूज करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं कॉस्ट। इट हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजन के लिए हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट बाय ए न्यू वन। यहाँ पे कोई कैपिटल इक्विपमेंट है उसे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, ये हेल्प करते हैं। इट इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट को एक्विजिशन करने के लिए या फिर परचेस करने के लिए यहाँ पे यूजफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर एन एसेट एसेंट्स टू बी ब्रॉट और हायर, या फिर बोल सकते हैं कि आपको परचेस करना है या फिर बोल सकते हैं हायर करना है, इसको डिसीजन लेने के लिए ये वाला हेल्प करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट का मतलब इट इज ए क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिलेशन टू हिज कॉस्ट आर एसेटन। यहाँ पे क्वांटिटेटिव यूनिट है जिसमें क्या होते हैं कि कॉस्ट को आप एसेटन कर सकते हैं, और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एक लोकेशन होता है जैसे कि और पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दिस इन रेस्पेक्ट ऑफ हुई कॉस्ट में भी एसेटन एंड रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट। इसका मतलब कि अलग अलग लोकेशन में कितना कॉस्ट है या फिर अलग अलग पर्सन में कितना कितना कॉस्ट है, आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग है, तो ये सब डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर अलग अलग लोकेशन में कितना कॉस्ट है उसको मानते हैं। किस सेंटर में कितना कॉस्ट रेस हो रहा है या फिर कितना कॉस्ट हो रहा है, ये वाला होता है कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ऑपरेशन एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट टेक्निक क्या होता है, कि आप जब ये वाला टेक्निक क्या क्या होते हैं। पहले होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्ट्रिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग या यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो ये वाला जो इसका टेक्निक होता है, इसको आप जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका इलेबोरेटली, इसके एक एक बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, वेरियंस एनालिसिस कैसे होता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसके बारे में आप सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाद कॉस्टिंग मेथड में क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या होते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एंड कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। ये वाला इसका मेथड है कॉस्टिंग में मेथड, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ना उसके बाद क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में होता है कि नीड फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आते हैं कि असेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पीरियडिकली इन बजटिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्राइसिंग पॉलिसीज, करंट एप्लीकेशन ऑफ प्लान्स इन पॉलिसीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को किस बेसिस में आप कैलकुलेशन आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का एलिमेंट को लेकर आप कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले है मेटेरियल कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट, यानी कि मेटेरियल में कितना कितना कॉस्ट लगते हैं, पूरा का पूरा टोटल को आप
आंते मेटल कॉस्ट, उसके बाद लेबर में, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड उसके बाद ओवरहेड। ये है बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मेटल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को लेकर यहाँ पे कॉस्ट को आप सेग्रीगेट करते हैं किस हिसाब से, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि आप जब प्रोड्यूस करते हैं कोई गुड्स या सर्विसेज उसका रिलेटेड कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ऑफिस में कितना खर्चा हो रहा है या फिर कितना कॉस्ट है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट या फिर सेल करने में कितना कॉस्ट लगता है उसे मानते हैं सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर वन बोल सकते हैं कि वन एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा होते हैं या फिर कॉस्ट। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे इसका फंक्शन को लेकर ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है। ये अलग अलग सेग्रीगेशन है, आपको इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि अलग अलग इसी अलग अलग पार्ट करना होता है, क्योंकि एक साथ जब लिख देंगे आपको ओवरऑल आइडिया नहीं आएगा कि एक आदमी देखेगा तो या फिर आउटसाइड देखेगा तो पता नहीं होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन में ज्यादा कॉस्ट हो रहा है या फिर सेलिंग में कॉस्ट ज्यादा हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आप जब यहाँ पे सेग्रीगेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा किस डिपार्टमेंट में ज्यादा कॉस्ट रेज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको टेक्निक जो है या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट एडप्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग में ज्यादा कॉस्ट हो रहा है तो आपने प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मेजर्स आप लिए हैं या फिर प्लांट्स एंड पॉलिसी ज्यादा बना रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी रेस हो जाएगी या फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अलग अलग जब सेग्रीगेट कर लेंगे तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि आपको एक कोई मेजर लेने के लिए या फिर बोल सकते हैं कोई प्लान एंड पॉलिसी बनाने के लिए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी यानी कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसको लेकर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर सेम होता है, सेम होता है का मतलब फिक्स होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे कि रेंट हो सकता है या फिर कुछ लैंड का रेंट बोल सकते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होता है फिक्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो जो फिक्स आइटम है कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि सैलरी वगैरह होते हैं एक साल के लिए पूरा का पूरा सेम होता है चेंज नहीं होता है, या फिर 5 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप हायर किए हैं जितना सारा एम्प्लॉय वगैरह है उनका सैलरी पहले से ही फिक्स हो गया तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, तो वाला होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरी करते हैं चेंज करते हैं, आप जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसी हिसाब से चेंज होगा। सेमी वेरिएबल का मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ क्या होते हैं वेरी करते हैं एंड कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स होता है एंड कुछ अमाउंट ऑफ वेरी करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हैं कि यहाँ पे सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल का मतलब यहाँ पे आप कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ देना होता है, जैसे कि 500 रुपया 600 रुपया फिक्स होता है, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा यूनिट बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है यहाँ पे कुछ हद तक क्या होता है फिक्स होता है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी का क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी के बेसिस में अब वे होता है नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होता है का मतलब आप जब एग्जाम्पल लेंगे कि आप जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो इतना कॉस्ट होगा ही होगा। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब है जो होना नहीं चाहिए था हो गया है, जैसे कि आप मानते हैं कि आप कोई शॉपिंग में जा रहे हैं कोई क्लॉथ वगैरह परचेस करने के लिए तो जो प्राइस टैग है तो ये वाला नॉर्मल कॉस्ट है या फिर उसका फेयर है नॉर्मल कॉस्ट है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब आपका कोई पर्स वगैरह चोरी हो गया या फिर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट वगैरह हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या है, जो नॉर्मली होते हैं आप जाएंगे शॉपिंग में तो यहाँ पे कोई क्लॉथ वगैरह परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लॉथ का प्राइस देना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा जो फेयर का ऑटो फेयर का या फिर बाइक का जो पेट्रोल भरेंगे, ये वाला क्या है नॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, होगा
यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाते हैं, सडन हो जाते हैं, ये वाला एक्स्ट्रा वन टाइप ऑफ खर्चा होता है, जैसे कि एक्सीडेंटल कॉस्ट हो सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिक, सर हाँ ये सब बुक में है ना, मतलब आप बुक से ही पढ़ाते हैं ना हाँ बुक इनको में, हाँ सारा? तो ये वाला यूनिट, ये सर इसका डेफिनेशन वगैरह हो जाएंगे हाँ डेफिनेशन वगैरह, कि नहीं? इसका डेफिनेशन वगैरह चाहिए आपको? हाँ नॉर्मल कॉस्ट ऐसे बोला ना, यहाँ पे आप एक जो बुक का सिलेबस जब आप सर्च करेंगे उसी में पूरा का पूरा हो जाए होता है यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब पढ़ाऊंगा तो हेडिंग को भी बता दूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं अच्छा पीडीएफ, ठीक सर, हाँ इसका एक एक, वही मेरे को कंफर्म करना था, बुक में डेफिनेशन तो रहेंगे ही ना? हाँ इसका मीनिंग और मीनिंग वगैरह है इसमें, मीनिंग और डेफिनेशन जो हाँ इम्पोर्टेंट है उसका डेफिनेशन है वरना मीनिंग वगैरह है, क्योंकि मीनिंग वगैरह एक अच्छा एक रीड आउट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इसका जो फंक्शन है इसका अलग अलग बेसिस में जो कॉस्ट है इसको बता दे रहा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा वरना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए एक एक बुक में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एबिलिटी, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जैसे कि आप कोई बोल सकते हैं कि एक चेयर है, तो चेयर का आप जब देखेंगे उसे डायरेक्ट आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल लगा होगा, तो आप यहाँ पे उसका जो मेन है या फिर मशीनरी लगा है आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये वाला वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर जो डायरेक्टली दिखाई देता है या फिर आप जब देखेंगे या फिर आप जब ये जो कॉस्ट आपको दिख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं दिख कर बता सकते हैं कि आप इसमें ये कॉस्ट लगा है उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब आप दिख कर आप देख कर पता नहीं चलता है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि जो बनाने के लिए कोई बोल सकते हैं कि चेयर है या फिर टेबल है तो टेबल में दिखाई देता है कि यहाँ पे वुड लगा है, ठीक है यहाँ पे कोई कारपेंटर आया होगा और बनाया होगा, तो नॉर्मल सा ये वाला डायरेक्ट कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह जो जो बोल सकते हैं गॉम है या फिर बोल सकते हैं कि जो मशीनरी लगा है, ये सब वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट क्या होता है इन्वेस्टमेंट के वाइज, यानी कि आप जो ज्यादा बोल सकते हैं कि आप हैवी अमाउंट ऑफ कॉस्ट होता है या फिर लेस लो अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर होता है। जब क्या होता है कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल आइटम में या फिर बोल सकते हैं मशीनरी लैंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए ये वाला कॉस्ट कितना इनकर हुआ, तो ये जो कॉस्ट होता है लैंड परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, मशीनरी परचेस करना, कार्ड परचेस करना, ये रेगुलर बेसिस में नहीं होता है, इसका जो कॉस्ट होता है या फिर बोल सकते हैं इसका जो कॉस्ट होता है तो इरेगुलर है, तो कभी कभी होता है तो 5 साल में या फिर जब एक बिल्डिंग परचेस करते हैं तो ये वाला आपका जो बिजनेस में रहता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए, जब तक बिजनेस एंड नहीं होता तब तक आपके पास लैंड है या फिर बिल्डिंग है मशीनरी है, मशीनरी लगभग 4 साल 5 साल के लिए यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं 1 साल में 10 बार आप मशीनरी परचेस कर सकते हैं या फिर 1 साल में 10 बार आप बोल सकते हैं लैंड परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे 5 बार, ऐसा नहीं होता है। तो कैपिटल इन नेचर का मतलब कैपिटल कॉस्ट नॉर्मल क्या होता है इरेगुलर इन नेचर होता है, इसका अमाउंट या फिर बोल सकते हैं हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर है, नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली नहीं होता है कभी कभी होता है 5 साल में 10 साल में 15 साल में 20 साल में ये वाला होता है। उसके बाद रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू कॉस्ट जैसे कि यहाँ पे एक दिन में 2 बार 3 बार या फिर 1 साल में 10 बार 100 बार या 1000 बार हो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ये वाला रेगुलर इन नेचर है, तो फ्रीक्वेंट इन नेचर है, तो रेगुलर इन नेचर जैसे कि सैलरी देना होता है, रेंट देना होता है, बिल इलेक्ट्रिक बिल देना होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब जो खर्चा है ये वाला रेगुलर इन नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर।
यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादा नहीं होता है, लेस अमाउंट होता है, कंपैरेटिवली लेस अमाउंट देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये होता है कैपिटल कॉस्ट, ये होते हैं वन टाइम रेवेन्यू कॉस्ट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन के हिसाब से यहाँ पे जब कॉस्ट को आप सेग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक होता है हिस्ट्रिकल कॉस्ट, एक होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्ट्रिकल कॉस्ट का मतलब जो आपको फ्यूचर जो प्रीवियस जो रिपोर्ट को देखकर यहाँ पे कॉस्ट कितना है या फिर प्रीवियस ईयर में कितना कॉस्ट है। उसके बाद प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आप क्या करते हैं कि आप पहले से अगले साल का क्या होगा, फिर फ्यूचर कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे पहले से प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट होने से पहले आप कैलकुलेशन करते हैं कितना कॉस्ट होगा। और यहाँ पे हिस्ट्रिकल कॉस्ट में क्या होते हैं कि यहाँ पे पहले से जो कॉस्ट हो गया है उससे आप कंसिडर करते हैं कितना कॉस्ट है। ऑटोमेटिकली क्या है, आपको क्या करना है, जो प्लान एंड पॉलिसी बनाना है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आप करना है। ये वाला हिस्ट्रिकल कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि करेंट पीरियड को लेकर, करेंट पोजीशन को लेकर, अभी का जो टेक्निक है करेंट का कॉस्ट को कंसिडर करते हैं फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसी के लिए, या फिर फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा, या फिर फ्यूचर और करेंट को मिलाकर ही वे प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विथ द न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे विद द प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट वन टाइप होते हैं, कि प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट में इतना कॉस्ट है तो आप 100 प्रोडक्ट बनाएंगे उस हिसाब से कॉस्ट होगा। और पीरियड कॉस्ट में क्या होते हैं कि फिक्स होते हैं कि एक पीरियड के लिए यहाँ पे इतना कॉस्ट है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से स्लिंग कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्पुटेड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये सब स्पेशल टाइप का कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आप जब कोई न्यू बोल सकते हैं, दो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर कोई आप खर्चा करने के लिए, दो टाइप का आप मशीनरी आपके पास अवेलेबल है। आइदर वो बोल सकते हैं कि नया टेक्नोलॉजी का जो मशीनरी है और एक पुराना टेक्नोलॉजी का एक मशीनरी है, तो आप दो आपके पास दो ऑप्शन है। तो जब आप न्यू वाला लेते हैं तो न्यू वाला लेने के लिए आपको कितना कॉस्ट इनकर पड़ता है, या फिर कितना आपको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होता है। जैसे कि मान सकते हैं कि मैं जब न्यू वाला प्रोडक्ट या फिर न्यू मशीनरी ले जाऊंगा, न्यू मशीनरी को चूज करूंगा, तब क्या होगा, न्यू मशीनरी में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट होगा। और ओल्ड मशीनरी में क्या होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल का बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल खराब होते हैं, वेस्टेज ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो बोल सकते हैं कि वहां पे ओल्ड टाइप का जो मशीनरी है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेन का ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, तो मैन पावर का खर्चा। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे, न्यू मशीनरी में कितना खर्चा होगा और ओल्ड मशीनरी में कितना खर्चा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड मशीनरी में आप चूज करते हैं तो आपको 10 लाख खर्चा होता, और जब न्यू मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं और उसे यूज कर रहते हैं तो आपको 15 लाख खर्चा होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 लाख आपको ज्यादा कॉस्ट हो रहे हैं, तो उसे मानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब जो ऑल्टरनेटिव आप जब जो अपॉर्चुनिटी को यूज करें तो आपको कितना ज्यादा कॉस्ट और कितना कम कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है, उसे मानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब नॉर्मल सा होता है कि आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट जब आप प्रोडक्शन करते हैं या फिर एक्स्ट्रा यूनिट जब सेलिंग करते हैं उसमें कितना कॉस्ट ज्यादा होता है। जैसे बोलते हैं कि आप 10 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो 5,000 है, कि आप 15 या फिर 11 जब यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए 6,000 है, तो ऑटोमेटिक 1,000 जो है, ये वाला 1,000 क्या हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट है। एक्स्ट्रा यूनिट या प्रोडक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर्ड होता है।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एवरेडेबल एंड ऑन एवरेडेबल कॉस्ट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट है जो आप डिसीजन मेकिंग लेने के लिए ये वाला यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट होते हैं। प्राइम कॉस्ट नॉर्मल सब बात क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके याद रखना है। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम मानते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट के प्लस क्या हो जाते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को मिलाकर यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट होता है। ये सब आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो पहले ये सब आप कॉस्ट को ये इसका प्रोसेस के हिसाब से आपको ऐड करना है। प्राइम कॉस्ट पहले कैलकुलेशन करना है, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। उसके बाद आप ऑफिस कॉस्ट निकालेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट को पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये वाला आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के लिए ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड, ये वाला टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब टोटल कॉस्ट ये आ जाएगा, उसके बाद सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। सेल प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा सेल्स प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका जो कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, उसी हिसाब से हम कॉस्ट शीट को बनाएंगे और कॉस्ट शीट को आप कैलकुलेशन करेंगे, किसी हिसाब से आपका कॉस्ट शीट का प्रोसेस क्या है और कॉस्ट शीट कैसे बनाए जाते हैं, उसका जो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट के बारे में डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू क्लास, और आप सब एग्जिट हो जाइए। ओके सर।